देखिए आज हमारी टीम को इस जनपद में और आसपास के क्षेत्रों में जो संचालित है ये व्यापार का ऑर्गेनाइज गिरोह का सक्रिय सदस्य आकाश वर्मा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। आपको याद होगा कि पिछले महीने थाना ताजगंज और हमारी टीम को इस देह व्यापार के गिरोह के जो मुख्य सरगना है रोशनी उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई थी, जिसके पास से बहुत सारी सूचनाएं हमारी टीम ने इकट्ठा की है और उसमें हर एक जो सक्रिय और एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सदस्य हैं, जो ब्रोकर हैं, एजेंट हैं, उनकी सूची बनाकर उनके विरुद्ध जो है अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में आज आकाश वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। वो इस पूरे गैंग का बहुत ही सक्रिय सदस्य है। इनके पास से कुल 4 मोबाइल फोन, कुछ पुराने करेंसी के नोट, कुछ फॉरेन करेंसी के नोट जैसे अमेरिकन डॉलर, नेपाली करेंसी, रियाल और उज्बेकिस्तान की करेंसी भी बरामद हुई है। इनके पास से आधार कार्ड, कुछ आईडी कार्ड, पैन कार्ड आदि भी बरामद किए गए हैं। मोबाइल में कई सारे ग्रुप्स हैं, चैट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं जो इस बात की ओर इंगित करते हैं कि यह इस पूरे गिरोह के बहुत ही सक्रिय सदस्य रहा है और इसकी पूछताछ में काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके कारण आगे जो इसके चेन में अन्य लोग कनेक्टेड हैं उनके विरुद्ध साक्ष्य के साथ साथ उनकी जानकारी हमें प्राप्त हुई है, जिनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जाए। बिल्कुल जो प्रथम दृष्टया हमने हमारी टीम ने ग्रुप्स का, व्हाट्सएप ग्रुप्स का, फोटोग्राफ्स का और चैट्स का जो अवलोकन किया है उसमें ये ज्ञात हो रहा है कि इनके साथ इनके कनेक्शन दिल्ली, जयपुर, बॉम्बे, कोलकाता और साउदर्न सिटीज में भी जुड़े हुए हैं। हम उन सभी चीज़ों की डेटा निकाल कर एनालिसिस करते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी अवगत कराएंगे ताकि बड़े पैमाने पर इसकी कार्रवाई हो। देखिए आकाश वर्मा से पूछताछ में जो उसका प्रोफाइल पता चला है, ये ग्रेजुएशन कर रहा है और वेब पोर्टल भी जो है इसने अपना चला रखा है। तकरीबन पिछले 3-4 सालों से कनेक्शंस में है और इधर लेटली काफ़ी एग्रेसिवली और काफ़ी एक्टिवली इस पूरे गिरोह में इसने काम किया। सोमवार की सुबह थाना अहमदाबाद क्षेत्र में जो ट्रिपल मर्डर केस हुआ था उसका अनावरण कल कर दिया गया था, जिसमें घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को सर्वे के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उसमें जो तीसरा अभियुक्त जो फरार था, आज सुबह हमारी टीम ने थाना सत्ता क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। उसके पास से अवैध हथियार और मृतक के टूटे हुए मोबाइल जो है वो बरामद किए गए हैं। हमारी पूरी टीम जो एसओजी की टीम है, सर्विलांस की टीम है, जनरल इंटेलिजेंस विंग की टीम है, थाना सत्ता की टीम है, सौदौला की टीम है, ये सभी टीम ने बहुत कोऑर्डिनेटेड रिकॉर्ड किया है सभी जो बताया के पास है और इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के उपरांत केस डायरी अच्छे से लिखने के बाद इस पूरे विवेचना को त्वरित गति से हम लोग समापन करेंगे और प्रभावी फैसले करते हुए इस पूरी घटना में सजा कराने का प्रयास।